तो 302 नहीं लगेगा, वो हथियार है वोट का हथियार, वो ताकत है वोट का हथियार। मेरे भाइयों, मैं इस मंच से, राष्ट्रीय मंच से मार्गदर्शक के रूप में यही संदेश देना चाहता हूं, अपना वोट का हथियार को आपने सही इस्तेमाल करना सीख लिया, सही मूल निवासियों को, पार्टियों को सोच समझ के वोट डालना शुरू कर दिया। मैं राजनीतिक पार्टी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, यहाँ जो सम्मेलन है धर्म, बोली, रीति रिवाज, संस्कृति और एक चारगढ़ गुफा का जो इतिहास है, अभी हमारे पूर्ववक्ता लोग बता रहे थे कि कैसे कोयली का चारगढ़ इतना फेमस हुआ और कैसे प्राचीन स्थल है जहाँ सामाजिक व्यवस्था बना। इस इतिहास को अपने हाथ में लेने के लिए और जो नकली लोग हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिन्होंने गोंड लोगों का 244 रियासत को हड़पा, पूरे उस समय पूरे भारत में 256 रियासत थे, गोंड जाति का अकेले 244 रियासत था पूरे भारत के अंदर में, तो गोंड जातियों के रियासत को हड़पने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने विश्व का सबसे बड़ा पुतला उनका बनाया, देशभर से लोहा लंगड़ इकट्ठा करके पुतला बनाया। मैं कहता हूं आप लोगों के अंदर, आप लोगों के हाथों में शासन सत्ता आ जाए, आपका बेटा आपके विचारधारा का इस देश का प्रधानमंत्री या इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए, एक चारगढ़ को पूरी दुनिया आएगी देखने के लिए, पूरी दुनिया आएगी देखने के लिए, इसी चारगढ़ को पूरी दुनिया आएगी। ऐसा साला गागरा बनेगा, ऐसा साला गागरा बनेगा, कल्पना करिए। और आपका नर्मदा नदी, जिसमें शास्त्रों में भी लिखा गया है कि देखने से लोग पवित्र हो जाते हैं, ऐसे नर्मदा नदी के आंचल और ऐसे भूभाग के क्षेत्र के निकट यह कचारगढ़ है, प्राकृतिक गुफा है, जहां पारी कुपार लिंगो जी ने और जहां पाटालीर ने और तमाम जो मनीषी हुए उन लोगों ने आकर के यहां संस्कार और शिक्षा सीख करके दुनिया में मानव भाईचारा, बंधुत्व और न्याय की बात का प्रसारण किया, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा। आदिवासियों का इतिहास गवाह है, आदिवासी लोगों ने पूरी दुनिया में किसी का जल जंगल जमीन और किसी के संस्कृति और धर्म पर डाका नहीं डाला है, कितनी बड़ी बात है। किसी का संस्कृति और धर्म में आदिवासियों ने डाका नहीं डाला, किसी का हक अधिकार नहीं लूटा आदिवासियों ने, लेकिन दुर्भाग्य के आदिवासियों को सबसे पीछे करके चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं और सलाम करना चाहता हूं न्यूजीलैंड के आदिवासियों का, जिन्होंने अपने टोटम व्यवस्था, अपने टोटम व्यवस्था को वहां के पेड़ पौधों में और जो मरघट होता है उस मरघट में अपने टोटम व्यवस्था को गाड़ के खंभा, यदि बाघ बाना कहे तो बाघ और कछुआ बाना कहे तो कछुआ, चाहे नीलकंठ पक्षी, चाहे मयूर पक्षी, जिसका जो गोत्र कुरी में आता है उसका प्रतीक चिन्ह न्यूजीलैंड के आदिवासी लोग गाड़ते हैं, क्योंकि वही आपका पहचान है, वही आपका सबसे बड़ा इतिहास है, वही आपका अधिकार भी है, रूढ़ी प्रथा के तहत अधिकार भी है। न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने एक नदी को मनुष्य के बराबर अधिकार देने की लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ा माओरी जनजाति के लोगों ने, तो वहां का नदी को मनुष्य के बराबर अधिकार मिला, उसका नकल किया केंद्रीय सरकार ने तो नर्मदा नदी को मानव अधिकार का दर्जा दिलाया, किसका नकल किया, आदिवासियों के इतिहास संस्कृति और कानून का नकल किया, तो भारत का गंगा नर्मदा नदी को मानव अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये नकल किससे किए, आदिवासियों से किए। और यहाँ का जब भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी गए थे तो जा रहे थे तो वहां के आदिवासियों ने डंडा लगा के घेर दिया, आप प्रवेश नहीं कर सकते बगैर आदिवासियों का परमिशन का, तो फूल पहले दो, यदि फूल स्वीकार कर लिए वहां का माओरी जनजाति की महिला, स्वागतकर्ता महिला, तो आपका आतिथ्य स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा आप भले भारत देश के राष्ट्रपति हो, न्यूजीलैंड के लिए आप एक आम आदमी हो। न्यूजीलैंड की सरकार ने बुलाया, लेकिन असली सरकार, परंपरागत सरकार न्यूजीलैंड के माओरी जनजाति के लोग, तो प्रणब मुखर्जी को वहां के माओरी जनजाति महिला के सामने नाक रगड़ना पड़ा,
दोनों नाक रगड़े वहां के आदिवासियों की प्रथा है। जब तक आदिवासियों का परमिशन नहीं मिलता, संसार का कोई देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाएगा वहां प्रवेश नहीं कर सकता। उसी प्रकार जिस दिन आप लोग संविधान के पांचवें छठी अनुसूची को समझ गए, रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है इसको समझ गए, तो मैं आपको वचन देता हूं कि कोई दुनिया का कानून और दुनिया का ताकत या भारत देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री न्यायपालिका संशोधन नहीं कर सकती। इतना बड़ा रूढ़ी प्रथा में आपका अधिकार है, परिभाषित नहीं कर सकती। सीएनटी एक्ट में कानून है, 1908 में बना छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, 1908 में बना छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। उस टेनेंसी एक्ट में गोंड लोगों को गोंड राजा एरिस्टोक्रेट घोषित किया गया है, एरिस्टोक्रेट राजा। हम वास्तव में राजा हैं, इस देश के राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे। और जो प्रवासी आए हैं डीएनए टेस्ट करके, यदि उन लोगों ने हिंदू कल्चरल को लागू किया भारत के मूल निवासियों पर और आदिवासियों पर और हिंदू राष्ट्र घोषित करने का कोशिश किया और इस संविधान को हाईजेक करने का कोशिश किया, तो हम उनका डीएनए टेस्ट करा के भारत की सीमा से बाहर करेंगे, भारत के सीमा से बाहर करेंगे। इसलिए चेतावनी है इस मंच के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने बोला था, अरे आर्यों, जिस दिन इस देश के असली मूल निवासी लोग सोते हुए नींद से जाग गए तो तुमको फूंक मारेंगे, तो तुम फूंक से उनका उड़ जाओगे। इसलिए सावधान हो जाओ, किसी को ज्यादा सताओ मत, किसी को ज्यादा दबाओ मत, किसी का हक अधिकार को डाका मत डालो, क्योंकि यही का बेटा, यही का आदमी इस देश का संविधान को बनाया है, कोई गैर व्यक्ति नहीं। जब संविधान बना सकते हैं, शासन चला सकते हैं, शासक थे भी अविनाश काल पूर्वी एंटी क्राइस्ट युग से, आज भी हम शासक हैं। सिर्फ मैं जो आपको आदेश और निर्देश, आदेश तो नहीं कर सकता, क्योंकि सभी लोग हमारे समकक्षी हैं, सभी भाई भारत सरकार के लोग हैं। यदि आदिवासी समुदाय के हैं, सभी लोग एससी भारत सरकार कुटुंब परिवार के कहलाएंगे। ये कुंवर केसरी सिंह ने दुनिया के सामने सिद्ध किया है। इसलिए सारे आदिवासी भारत का मूल मालिक हो, मूल मालिकिन हो, धन धरती जल जंगल जमीन को आप बचा लो, अपनी रूढ़ी प्रथा गोंडी भाषा को बचा लो, अपने संस्कृति तीज त्योहार को बचा लो और उनका दान पुण्य करना छोड़ दो, उनको पाए लगी महाराज कहना छोड़ दो, उनके इशारे पर चलना छोड़ दो, उनके पार्टियों में त्याग कर दो। देखो ये भारत पूरा सोने का चिड़िया बनेगा और गोंडवाना का सतरंगी झंडा इस देश के सांसद विधानसभा में लहराएगा और लाल किले पर लहराएगा। क्योंकि अमेरिका में वहां के मूल निवासियों का झंडा और एक तरफ सरकारी झंडा दोनों फहरता है। वहां के अमेरिका में वहां का राष्ट्रीय झंडा और आदिवासियों का झंडा दोनों साथ साथ फहरता है। उसी प्रकार तिरंगे झंडे के साथ सतरंगी झंडा भी भारत का सभी सरकारी कार्यालयों में, ऐतिहासिक इमारतों में सतरंगी झंडा लगेगा। दूसरे का झंडा, दूसरे का तिरंगा, ऐसी इस देश के शासन प्रशासन को चलाने वालों को इस मंच से भी मैं सावधान करना चाहता हूं। पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, उसके चलाने वाले का नेक नीयत यदि सही है तो खराब से खराब संविधान भी अच्छा बन जाता है, और यदि चलाने वाले का नेक नीयत सही नहीं है तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है तो वह भी बर्बाद हो जाएगा और एक दिन लोग संविधान को भी जलाने के लिए तुलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि बाबा साहब का जो कहा हुआ बात है आज निश्चित रूप से प्रासंगिक लगता है, लेकिन हम ऐसा कदम भी नहीं रखेंगे, हम बाबा साहब के संविधान को चीर अछूर और स्थायी बनाए रखेंगे। जरूरत और समय के आधार पर संशोधन करेंगे, लेकिन आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा, आदिवासियों का अधिकार को, संशोधन का अधिकार किसी को नहीं देंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को इस रात्रि कालीन आधी रात, भारत की सारी जनता सो रही है, आप लोग जाग रहे हो, इसका मतलब आजादी आने वाली है, इसका मतलब हम इस देश का शासक बनने वाले हैं। इतना कहते हुए आप सभी लोगों ने मेरी बात को बड़ी धैर्य पूर्वक सुना और समझा। मैं आप लोगों के
हृदय में एक बात प्रेम से बोलिए, हो